Good morning again. Today we are going to discuss the documents which are required to be prepared by the promoters with the help of certain professionals. Okay, these documents are required. Without these documents, a company cannot get incorporated. Whenever you give an application to the registrar for the incorporation of your company, this application form has to be accompanied by certain documents. Okay, so let us have a look at what are the documents which are required for the incorporation of company. First main document, memorandum of association. Even though we have discussed it, but in short, in brief, I'm discussing it again. बेटे memorandum का नाम क्या होता है? Memorandum कोई भी अगर हम law terms में देखें तो memorandum is any legal document specifying contract. So similarly, every company should have a memorandum of association. तो जो कंपनी का memorandum of association है, जिसको हम short में MOA भी कह देते हैं, it contains the objectives for which the company is formed. ये जो कंपनी है, ये किस objective के लिए existence में आई है? इसका objective क्या है? Like Zomato is there, Zomato का purpose क्या है? Home delivery करना goods की, ठीक है? Swiggy का purpose क्या है? Home delivery करना. Ola का purpose क्या है? लोगों को transportation provide करना. So these are the objectives. So किसी भी हर company का objective अलग-अलग होता है. तो जो भी company का objective है, वो आपको memorandum of association में specify करना पड़ेगा. Memorandum of association contains certain clauses, first being name clause. It's obvious that this clause contains the name by which it will be known, and this name has to be approved by the registrar of the companies. Second, it contains registered office clause. Registered office clause mein jis state mein company register hogi, us state ka naam mention karna hai. क्योंकि अभी तक कंपनी को अप्रूवल नहीं मिला, अभी उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला, पता नहीं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो भी पाएगी कि नहीं, तो ऑब्वियसली हम पहले उसका ऑफिस नहीं ले सकते हैं, ठीक है? सो बिफोर इन दिस क्लॉज यू हैव टू मेंशन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड. जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. बेटे इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लॉज ऑफ दिस मेमोरेंडम. इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड. तो जो ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन हो गया, कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं, कोई भी एक्टिविटीज के बियॉन्ड नहीं कर सकती, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बेटे, अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव में ये मेंशन किया हुआ है कि हमको गुड्स की होम डिलीवरी करानी है, जैसे कि जोमेटो है, ठीक है? जोमेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? होम डिलीवरी कराना, जो जितने भी ईटेबल आइटम्स हैं उनकी होम डिलीवरी, यानी कि लोगों के घर तक जो भी वो ऑर्डर कर रहे हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट से, उसको पहुंचाना. तो कल को अगर जोमेटो कहे कि हम लोगों को टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये एक्ट वो नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि ये उसके ऑब्जेक्टिव में मेंशन्ड नहीं है. सो एनी एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दिस क्लॉज, कंपनी कैन नॉट अंडरटेक दैट एक्टिविटी. कंपनी सिर्फ वही एक्टिविटी कर सकती है जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन्ड है. अगर कोई ऐसा काम वो करती है जो उसके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जाता है, तो इसको इनवैलिड माना जाएगा, राइट? दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड, ठीक है बच्चे? यहां तक क्लियर हो गया? ऑल राइट. सो नेक्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लायबिलिटी क्लॉज. Again, this clause contains the liability of the members of the company. So, इस clause में यही लिखा जाता है कि जो liability है members की, it is limited to the unpaid value of the shares owned by them. I gave you an example yesterday also कि अगर आपके पास company के 1000 shares हैं,
और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन आपने अभी तक इसके ऊपर 6 रुपीज पर शेयर ही पे किया हुआ है, तो कल को अगर ये कंपनी डूब जाती है तो कंपनी आपसे 4 रुपीज पर शेयर मंगवा सकती है. योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू ₹4 पर शेयर. ठीक है, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपको ₹4,000 देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, चाहे आप टाटा बिरला हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप बोलो कि आपने आपके पर्सनल एसेट से कंपनी अपने डेट्स उतारेगी, नहीं, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ठीक है, तो कल को लेट्स से एक बहुत बड़ी कंपनी से अंबानी की कंपनी डूब जाती है, तो आप बोलो और उसके आप उसके क्रेडिटर हो, आपने अंबानी की कंपनी को 2 करोड़ रुपया दिया हुआ है, तो आपको अब जैसे देखो जितने लोग भागते हैं विजय माल्या एंड ऑल, ठीक है, आजकल वो चौकसी का केस चल रहा है, सारे डायमंड मर्चेंट्स हैं ये लोग, ठीक है, तो दे हैव लॉट्स ऑफ पर्सनल एसेट्स टू पे ऑफ देयर डेट्स, बट स्टिल दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्रीज बिकॉज दे डू नॉट देयर लाइबिलिटीज लिमिटेड टू देयर शेयर कैपिटल, दे वॉन्ट टू कीप देयर एसेट्स सेफ. ठीक है, तो उनके पर्सनल एसेट्स सेफ हैं. हाँ, अगर वो प्लेज हुए हुए हैं तो उनको बेच के, या अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, जैसे PNB के साथ फ्रॉड हुआ है एक, उसने किया हुआ है माल्या ने, ठीक है, तो उस केस में उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के PNB का लोन उतारा जा सकता है. ओके, कैपिटल कॉस्ट. तो कैपिटल क्लॉज बेटा स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज टू द इश्यूज ऑफ शेयर. So let's say your authorized capital is 10 crore rupees divided into 1 crore share at the rate of rupees 10 each. So in that case, bete, you have to mention it in your capital clause. What is your authorized capital? It simply states, ye clause isliye rakha gaya hai taki company ne jitni authorized capital likhi hai usse zyada wo raise na kar sake. Aisa na ho general public के साथ फ्रॉड करके वो जब मर्जी चाहे कैपिटल रेज करती जाए. ठीक है, सो इसीलिए एक मैक्सिमम कैपिटल वो कितनी रेज कर सकती है जिसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, दैट इज मेंशन्ड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA. फिर बेटे ये सारे क्लॉजेस के बाद एक लास्ट क्लॉज होता है एसोसिएशन क्लॉज. ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज में वो लोग जो कि कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर लेने को तैयार है, ठीक है, और जो कहते हैं हम कंपनी के साथ एसोसिएट होने को तैयार हैं और कंपनी के हम इतने शेयर सब्सक्राइब करने को तैयार हैं, यानी कि हम कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, दे विल पुट अप देयर सिग्नेचर्स. वहां पे उनका नाम लिखा जाएगा, नाम के आगे वो कितने शेयर लेने को तैयार हैं वो लिखा जाएगा और आगे उनके साइन होंगे. ठीक है, सो MOA बिकम्स वैलिड, राइट. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है बेटे, वो कंपनीज एक्ट जो है ना उसने भी बनाया हुआ, कंपनीज एक्ट में रेडीमेड MOA बना हुआ पड़ा है. तो अगर आप अपनी कंपनी का MOA नहीं बनाना चाहते हो तो यू कैन पिक टेबल A, B, C, D, और E इन द शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली कोई भी चूज कर लो, आपको वो MOA चूज, वो टेबल चूज करना होगा जो आपकी कंपनी के लिए यू नो रिलेट करता है. यहाँ पे गिवन है आपको, यू मस्ट बी एबल टू सी दैट अगर आपकी कंपनी बेटे लिमिटेड बाय शेयर्स है, यू हैव टू अडॉप्ट टेबल A. लिमिटेड बाय शेयर कंपनी जो जनरल, जहाँ पे लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, दैट कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स. अच्छा, एक नई तरह की कंपनी 2013 एक्ट में आई है, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, इसमें मेंबर्स कहते हैं कि भी इस कंपनी के लॉसेस हम अगर होंगे तो हम इतने लॉस हम चुकाने को तैयार हैं. वो गारंटी देते हैं कि 2 करोड़ तक का लॉस मैं बियर करने को तैयार हूँ. दूसरा पर्सन कहता है 1 करोड़ तक का लॉस मैं बियर करने को तैयार हूँ. तो ऐसी कंपनी जहां पर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड बाय शेयर बट बाय गारंटी, उसको दैट कंपनी इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड इट कैन अडॉप्ट
table B given in schedule 1 of Companies Act. ठीक है, और तीसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. बेटे ए यहाँ पर हैविंग आना है, ये दोनों नॉट हैविंग लिखा है ना, तो एक में हैविंग आना है. वो अडॉप्ट कर सकती है टेबल सी, और कंपनी अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल टेबल डी, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल टेबल ई. ठीक है, नाउ यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दीस टाइप्स ऑफ कंपनीज क्योंकि आपके करिकुलम में नहीं है, तो आपके लिए अभी तक ये बनता है कि टेबल ए आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. क्लियर बेटे? एमओए हैज टू बी साइंड बाय 2% एटलीस्ट 2% इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. क्लियर? Now coming to the second important document which a company needs to or the promoters need to prepare in order to incorporate, get their company incorporated. This is Articles of Association. But what is Articles of Association? It is again a very important document of the company, but it is subsidiary to the Memorandum of Association. ठीक है, क्या सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है. बेटे इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. हर कंपनी की मैनेजमेंट अलग अलग होती है, हर कंपनी अपनी मैनेजमेंट को अलग तरह अपनी कंपनी को अलग तरह से चलाती है. ठीक है, तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे. They have to be there in some written form ताकि कल को कोई disputes वगैरह arise ना हो. ये जो rules हैं internal management के लिए, these have to be mentioned in one document which is commonly known as Articles of Association. ठीक है, Articles of Association बेटे समझ में आ गया क्या आता है उसमें. It contains rules regarding internal management. दिमाग में बिठा लो बेटे. Memorandum of Association contains the objective for which company is formed. Articles of Association contains rules for the internal management of the company. ठीक है, now बेटे these rules, these are subsidiary to the MOA. ये MOA के subsidiary हैं, यानी उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो MOA को contradict करे. It should not contain anything. ठीक है, कोई ऐसी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए जो कि MOA को contradict करे. Clear बेटे? So articles of association कंपनी अपना खुद भी बना सकती है. अगर कंपनी खुद नहीं बनाना चाहती तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ऑलरेडी रेडीमेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अवेलेबल हैं. ठीक है, टेबल एफ जी एच आई एंड जे इन शेड्यूल 1. तो जौन सा टेबल जिस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, देखो टेबल ए बी सी डी ई बेटे एमओए के लिए है, एफ जी एच आई जे आर्टिकल्स के लिए. तो एफ कौन सी कंपनी के लिए है, वो कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर. ऑर्डर सेम है, देखो एओए टेबल जी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल. तो इधर भी बेटा यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा. ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे. देन एओए लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल एच वो कंपनी का एओए बन सकता है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल. टेबल आई एओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. टेबल जे एओए ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. तो मेनली बेटे क्योंकि हमने अभी तक आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में बताया है, तो उस कंपनी के लिए का एमओए अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते हो, you can adopt table A of schedule 1 of Companies Act, or for AOA you can adopt table F of schedule 1
of Companies Act 2013. Got it, bete? So again, I'm explaining AOA contains rules for the internal management of the company. So ye ho gaya bete, dusra document. Now coming to the third document, which is consent of proposed directors. Directors, आपको मैंने बता ही दिया, वो persons होते हैं जो shareholders को represent करते हैं, and they take all the important decisions of the company on the behalf of their shareholders. Now, because the company has not come into existence yet, we are taking all these steps to form a company. Company is not formed, तो company के director कहाँ से आ जाएंगे? जब company ही नहीं है, जब school ही नहीं है, तो school का principal कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, लेकिन अगर स्कूल बन रहा है, ठीक है, उसकी एफिलिएशन ली जा रही है, उसकी बिल्डिंग बन रही है, और हमने किसी एक पर्सन को प्रपोजल दिया हुआ है कि दिस पर्सन कैन बी मेड एज प्रिंसिपल, तो वो क्या हो गया? प्रपोज्ड प्रिंसिपल. इसी तरह से बेटे, कंपनी अभी बन रही है, तो जो पर्सन ने कहा हुआ है कि भी मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, आई एम ready to act in the capacity of the director, and for that I am ready to buy the shares. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी, let's say 5 जने हैं जो company form करना चाह रहे हैं, ऐसे तो हर एक में भाग दौड़ होगी, मेरे को director बना दो, मैं बन जाता हूँ. ठीक है बेटे, director वही बनेगा, या directors भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, minimum 2 directors होने चाहिए private limited company में, उसे ज्यादा भी हो सकते हैं. उसी को डायरेक्टर का नाम प्रपोज किया जाएगा जो कि कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर लेने को तैयार है. व्हाट इज क्वालिफाइंग शेयर? नाउ क्वालिफाइंग शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप जितने, जैसे अब मैं बोलूं कि बेटे आप कभी प्लस टू में जाओगे, अगर आपके प्लस वन में 40% मार्क्स आएंगे, 40% मार्क्स क्या हो गए? क्वालिफाइंग मार्क्स. ठीक है ना, अगर मैंने 50% कर दिए तो आपको 50% लेने पड़ेंगे, वो हो गए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स. तो इसी तरह प्रमोटर्स ने ही ये फिक्स करना है कि कितने क्वालिफाइंग शेयर्स रखने हैं. तो जितने भी उन्होंने क्वालिफाइंग शेयर्स रखे हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स, अगर डायरेक्टर तैयार हो गया, उसने अपना कंसेंट दे दिया, हाँ मेरे पास इतनी कैपिटल है, मैं इतने शेयर्स लेने को तैयार हूँ, ठीक है, तो and I am ready to act in the capacity of the director, and he puts up his signature. This document is known as consent of proposed directors. Okay, so a written consent from those persons who agree, who are ready to act in the capacity of directors and ready to buy the shares, qualifying shares, as mentioned in articles of association. AOA में लिखा होता है कि इतने शेयर्स उनको लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो अगर वो लेने को तैयार हैं, तो ये उनका कंसेंट आ गया हमारे पास. This is the third document which has to be prepared by the promoters. Fourth है बेटे agreement. Agreement किसके साथ करना है? जो भी जिस भी पर्सन को आप कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर कंपनी का प्रपोजल है कि वी सो एंड सो पर्सन किसको हमने कंपनी का डायरेक्टर बनाना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है, तो उसका भी हमें, उसके साथ हम एक अग्रीमेंट एंटर करेंगे कि वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वी आर मेकिंग यू मैनेजिंग डायरेक्टर, वी विल बी गिविंग यू दिस मच सैलरी, दीज विल बी योर ड्यूटीज, दीज विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दिस विल बी योर रेमुनरेशन. ठीक है, सो एक अग्रीमेंट साइन हो गया आपका उसके साथ. ये अग्रीमेंट भी बहुत जरूरी है, इसके बिना रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा. ठीक है, आफ्टर दैट बेटे अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फिफ्थ डॉक्यूमेंट आफ्टर एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स एंड अग्रीमेंट. फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. Statutory word means legal. ठीक है, तो statutory declaration, एक legal declaration के जितने भी legal requirements related to incorporation of the company है, we have complied with all these
these legal formalities. ठीक है, हमने ये सारी legal formalities fulfill कर दी हैं. So we have complied with all the legal requirements required for the registration of the company. This declaration you have to make, and this has to be signed by an advocate. ऐसा नहीं कि आप साइन करके दे दोगे. बेटे आप तो कुछ भी झूठ, आप तो कंपनी प्रमोट कर रहे हो. लेट अस से आपने कुछ चीजें फुलफिल नहीं की, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं की, तो आप झूठ मूठ ही अपने साइन करके लिख दो कि हाँ भी हो गई है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं. तो आपकी कोई साइन की यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं है. आपने किससे साइन करवाना है, या किसी एडवोकेट से, या किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या कॉस्ट अकाउंटेंट से, या कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है, जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में इंगेज्ड है, जिसको आपने अपॉइंट किया हुआ है कंपनी की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, प्लस वो पर्सन जिसको आपने आर्टिकल्स एओए में एज अ डायरेक्टर या एज अ मैनेजर या एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी डिक्लेयर किया है, मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपने डिक्लेयर किया. गॉट इट बेटे? तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, एक लीगल डिक्लेरेशन है, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने लिख दिया कि भी जो जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस हमने सारी फुलफिल कर ली है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है. ठीक है, और उसको साइन किससे करवाना है, आप जो भी पर्सन, चाहे वो एडवोकेट था, चाहे वो सीए था, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी था, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट था, जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में आपके साथ इन्वॉल्व था, वो साइन करेगा. प्लस जिस पर्सन को आपने अपने एओए में डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मेंशन किया हुआ है, वो साइन करेगा. ठीक है, तो उसके बाद बेटे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो फिर अब आप जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस. वहां पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे. वहां पे सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है, उसमें आप क्या क्या अटैच करेंगे, एमओए, एओए, ठीक है, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंट, सॉरी अग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. प्लस जब आप रजिस्ट्रार के ऑफिस गए और आपने कहा कि हमने कंपनी को रजिस्टर करवाना है, हमें उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है, तो दे विल आस्क फॉर सम फीस. ठीक है, जब आप अपना एक्टिवा रजिस्टर करवाते हो तो फीस लगती है ना, कार रजिस्टर करवाते हो फीस लगती है, घर रजिस्ट्री कराते हो तब भी फीस लगती है, तो कंपनी की जब आप आरसी करवाओगे तब भी फीस लगेगी. तो वो फीस की रिसीट आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी. ठीक है, कितनी फीस लगेगी वो डिपेंड करता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्योंकि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सजेस्ट द साइज ऑफ द कंपनी. तो जितना बेटे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ज्यादा होगा उतनी फीस ज्यादा होगी. ठीक है,